Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am finally back with another video. Friends, आज था वीकेंड और मैं हो रही थी बोर. मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ कुकिंग की कोई रेसिपी शेयर कर लूँ. तो मैं और मम्मा आज बनाने वाले हैं सी कबाब रोल और साथ में लच्छा पराठा. तो उसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी. तो अभी मैं ऑलरेडी किचन में हूँ, तो मैं बताती हूँ. पहले आ जाए क्या जी. आ जाए, देखें, ये मैंने फ्लोर ले लिया था, इसको मैदा कहते होते हैं. ये कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, देखें. और इसमें जाने वाला है ये 3 आइटम्स. ये बटर है, ये सॉल्ट और ये जीरा, क्यूमेन, इसको क्यूमेन भी कहते हैं. और साथ में ये ऑलिव ऑयल, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ. ये 1 स्पून जाएगा इसमें. तो अब हम इसको मिक्स करेंगे. मम्मा इसको गूंदेंगी और 20 मिनट्स के लिए हम इसको रखेंगे. थोड़ा सा ये मैरिनेट हो जाता है, जैसे हम चिकन को मैरिनेट करते हैं वैसे हम इसको भी मैरिनेट करेंगे 20 मिनट्स के लिए. तो जब ये हो जाएगा फिर मैं आपसे मिलती हूँ. इसके बनेंगे लच्छा पराठा. फ्रेंड्स, ये सी कबाब बनाने के लिए जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ. ये चिकन है, फुल बोनलेस है, और इसको साइड पर रखते हैं. और ये टिक्का सी कबाब का मसाला, और ये मम्मा इसको चॉप करेंगे. और इसमें है ग्रीन चिली, ये है ग्रीन चिली, ये अनियन, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट. और अब हम इसको ग्राइंड कर देंगे. डाला था मशीन में और ये फाइनली फुल इसका कुछ उमर टाइप हो गया है, चॉप हो गया ये. और अब हम चिकन का करेंगे. फ्रेंड, ये देखें चिकन का कीमा बन चुका है अच्छे से. और अब हम इसको मिक्स करेंगे. और इसमें अब जाने वाला है थोड़ा सा बटर. हम इसमें भी बटर डालेंगे. और ये थोड़ा सा फ्लोर है, फ्लोर इसलिए हम डाल रहे हैं क्योंकि सी कबाब की अच्छे से बाइंडिंग हो सके. और ये मसाला जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला. तो अब हम इसको सब कुछ इसमें डाल देंगे. फ्रेंड्स, अब ये देखें इसके 20 मिनट्स पूरे हो चुके हैं और ये फुल रेडी हो चुका है. देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ. ये देखिए फुल ऊपर ऊपर आ रहा है, जैसे अच्छे से हो चुका है रेडी. और अब हम इसको कवर करेंगे. फ्रेंड्स, ये देखिए सब कुछ इसमें डाल रहा है. ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे स्पून के साथ. फ्रेंड्स, ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है इसका कीमा. और मम्मा इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगी कुछ मिनट के लिए. तो फिर मैं मिलती हूँ उसके बाद. स्टे विद मी. Thank you.
तो हम इसको बेलेंगे पहले अच्छे से और इसका लच्छा पराठा बनाएंगे। यम्मी यम्मी। फ्रेंड्स ये सेकंड स्टेप था और इसमें मम्मा ने ये लेयर्स ऐड कर दी हैं और अब हम इसको बेलेंगे, मेरा मतलब मेरी मम्मा बेलेंगी और हम इसकी रोटी पकाएंगे।